बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जिन्हें आपने कीबोर्ड पर सुना, उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि चांद उतरा नूर की महफिल में जब, चांद उतरा नूर की महफिल में जब, रोशनी ही रोशनी पर छा गई। संगीत की दुनिया का एक पुरनूर सितारा, और माशाल्लाह जिन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसा रंग जमाया जो खुशनसीबों को हासिल हो पाता है। शख्सियत में आज मुलाकात इंडियन क्लासिकल कीबोर्डिस्ट और म्यूजिक कंपोजर अभिजीत पोहनकर से। एक अलग अंदाज, नई पीढ़ी की नई सोच, विरासत को पूरी सलीके से आगे ले जाने का नाम है अभिजीत पोहनकर। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में। जाने माने कीबोर्डिस्ट, संगीत समीक्षकों की माने तो पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडियन क्लासिकल कीबोर्डिस्ट का खिताब पाया। संगीत की तालीम बचपन से ही शुरू हो गई। दादी सुशीला पोहनकर ने सबसे पहले उनका परिचय संगीत के सात सुरों से करवाया, और फिर पिता अजय पोहनकर और माँ अंजलि पोहनकर ने उन्हें संगीत की बाकायदा तालीम दी। अभिजीत पंडित शिवकुमार शर्मा से काफी मुतासिर भी रहे और समय समय पर जाके उनसे सीखते भी रहे। संगीत में नए प्रयोग करना अभिजीत की पहली पसंद रही, और यूं पिया बावरी ने दी उनके सपनों को एक नई उड़ान। अभिजीत पोहनकर की संगीत की कहकशा में जहां शास्त्रीय गीत संगीत का अद्भुत संसार है, वहीं गजल के हुस्न पर उनकी उंगलियों का जादू रच जाता है एक नया संसार। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना सूफी का एक अलग अंदाज, और फ्यूजन का रंग है निराला। अखियां दा चाँद तू थोड़ी दे और ठहर जा, आज लथा नहीं। अपने सफर में उन्हें कई दिग्गज कलाकारों का साथ भी मिला और आशीर्वाद भी। Award winning keyboardist Abhijit Pohankar has derived a new genre of world music. Congratulate Abhijit for being a wonderful musician. बेटा अभिजीत वो भी बड़ा जहीन है और बहुत सुर को प्यार करता है, मैं उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है। अनुभूति के जरिए अभिजीत पोहनकर अपने पिता के साथ संगीत की दुनिया में नए प्रयोग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, और दर्शक मंत्रमुग्ध से इस शहर का हिस्सा बन जाती है। एक से बढ़कर एक एल्बम और बेशुमार अवार्ड्स, और उसमें संगीत के नए रंग, बड़ों के साथ साथ युवाओं में उनकी मकबूलियत और शोहरत की कहानी आप है। क्या जानू
बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप वक्त निकालें और हमारे बीच में आए। पंडित अजय पोहनकर आपके पिता जी और एक जानी मानी शख्सियत, और उन्हीं की देखरेख में आपका लालन पालन हुआ। तो बचपन था कैसा? शरारती था, सीधा सादा था या सिर्फ सीखने वाला था? सीधा सादा तो बिल्कुल नहीं था। तो मेरा बचपन ऐसा रहा कि मैं कलाकारों के बीच ही पला बड़ा हूँ। मेरी दादी डॉक्टर सुशीला ताई पोहनकर, वो बहुत मानी हुई म्यूजिकोलॉजिस्ट, उन वो सिर्फ म्यूजिकोलॉजिस्ट नहीं थी, वो ऑर्गेनाइजर भी थी कॉन्सर्ट्स के। और हम लोग पहले रहते थे जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। अच्छा। तो मैं जब पैदा हुआ तो जबलपुर में था, फिर मैं बम्बई आया। पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, उस्ताद आमिर खां साहब, बेगम अख्तर जी, इस लेवल के आर्टिस्टों की बात हो रही है, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग कौन हैं। और मैं ऐसे ही एकदम बहुत छोटपन की बात कर रहा हूँ मैं, कि गाना बजाना चलता था और मैं सुनता रहता था वो। और ये नहीं कि बैठ के सुन रहा हूँ, मैं आते जाते खेलते वक्त जो सुनने में आता है तो उससे होते हैं संस्कार। बिल्कुल। और जहन में जब म्यूज़िक जाता है तब वो म्यूज़िक सोल लेवल पर चला जाता है। लेकिन इस वजह से मेरा जो मतलब रूहानी तौर पर जो म्यूजिक होना चाहिए वो तब से चालू परिचय तभी से बिल्कुल शुरू तब से परिचय हो गया। और शुरुआत कैसे होती है फिर, मतलब जिसे हम कहते हैं ना शिक्षा की बाकायदा शुरुआत होती है? मैं आपको बोलूंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि मेरी जो शिक्षा है वो जब मैं 22 या 23 साल का था। अच्छा। तब शुरू हुई, विच इज वेरी लेट इन म्यूजिक। लेकिन मैंने जैसे कहा कि लिसनिंग का जो इम्पोर्टेंस है, कि पिताजी गाते थे, पिताजी के साथ कॉन्सर्ट्स में बड़े बड़े, सवाई गंधर्व फेस्टिवल में गया एक बार, तो मैं सो गया क्योंकि रात को 10 बजे पिताजी का गाना शुरू हुआ, तो हम तो बच्चे थे तो सो गया। तो मुझे आज भी याद है कि वो राग कौशिक कनाडा गाए थे। वो फिर बाद में जाके पता चला कि वो कौशिक कनाडा था, लेकिन मुझे वो कनेक्शन हो गया कि इसे कौशिक कनाडा कहते हैं। मैंने खुद देखा है कि इतने बचपन से तालीम होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। बहुत कम होंगे जो पॉसिबल है, लेकिन जितने आसानी से आर्टिस्ट कहते हैं कि मेरी तो 3 साल की उम्र में शुरू हो गई परवरिश, ऐसा नहीं हो सकता। शुरुआत मेरी गाने से हुई, तालीम से। तो दादी ने पूरे राग और सब जो जैसे होते हैं, और भजन गाना, और मैं गज़लें भी गाता था पहले। अच्छा। हाँ, मैं सुरेश वाडकर जी के पास सीखने गया कुछ ऐसा, क्योंकि फिल्मी गाने और गज़लों का बड़ा शौक था कॉलेज में। अच्छा। फिर मुझे समझ में आया कि अपना आवाज़ जो है वो पिताजी के साथ कंपेयर हो जाएगा। तबला सीखा थोड़ा। अच्छा। तो ये सब जाके आगे मुझे आज सब काम में आ रहे। तो तालीम तो हुई लेकिन काफ़ी लेट। मुझे ये बताइए अपने घराने के बारे में, और घरानों की जो परंपरा है जी, उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, हम वैसे किराना घराना जो है पिताजी का वही है, दादी जी भी उसी में उनकी शिक्षा हुई, फिर मेरे जो परदादा थे वो भी थे। मेरा अपना मानना है कि घराना तो ठीक है, आदमी में खुद में उतना दम चाहिए कि वो अपना घराना है, अपना म्यूज़िक खुद लोगों तक पहुंचाए। कोई तो, एक राग, एक बंदिश जो आपके घराने की खासियत है? देखिए, मैं चूंकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाता हूँ तो वोकल म्यूजिक का थोड़ा सा म्यूजिक अलग हो जाता है, क्योंकि वो बंदिशे गाते हैं, ख्याल गाते हैं, एक ताल में या विलंबित में। हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल में है, मतलब जो मैंने सीखा है। मेरा एक फेमस गाना भी है और वो ठुमरी है। अच्छा। कैसे कटे दिन रैन, जो मेरे पिताजी की ठुमरी है, दादी जी की कंपोजिशन है। ओके। वो मैं इस पे जरूर। खूबसूरत। मुझे ये बताइए कि आप अपना एक अलग रास्ता चुनते हैं जी,
एक कीबोर्डिस्ट के तौर पर आप इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये ख्याल आपको क्यों आता है? अब सितार सरोद तो आप जानते हैं कि इतने देश में ऑलरेडी कलाकार हैं, तो मेरा हारमोनियम का हाथ काफ़ी तैयार था पहले, तो मैंने सोचा कि हारमोनियम तो ऑलरेडी है और वो सोलो इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकती है, मतलब वो तो जिन्होंने जो बजा रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन एक सोलोइस्ट जिसको कहते हैं कि जिसमें पूरा कॉन्सर्ट अपने नाम का हो रहा है, बिल्कुल डेढ़ घंटे का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो मैंने कीबोर्ड साज लिया और कीबोर्ड पे मैंने सोचा कि इस पे अगर हम क्लासिकल बजाएं तो ये बहुत खूबसूरत सुनाई भी देगा, तो ये स्किल मैंने अपने आप डेवलप किया। हालांकि इस पे जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो मैं संतूर को और सितार को मिक्स करके ऐसे फॉलो करता हूँ, अच्छा मेनली संतूर को, अच्छा इसलिए मैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी का मैं भक्त था पहले से और उनके कैसेट सुन सुन के मैंने वो स्टाइल थोड़ी डेवलप की पहले, फिर एक दो साल डेढ़ साल बजाया, थोड़ा रियाज किया और पिताजी को कहा कि मुझे पंडित जी के पास ले चलो, तो मैं गया और उनको सुनाया तो बोले अरे ये तो स्टाइल थोड़ी मेरे टाइप लग रही है, अच्छा तो मैंने कहा तो आप मुझे थोड़ा गाइडेंस कुछ सिखाएं, तो वो तो बिजी इतने थे, तो मैं डेढ़ दो साल गया और उनके पास थोड़ा सा सीखा, लेकिन उस दो साल ढाई साल में मैंने उनसे ऑब्जर्व कर करके अपनी शैली में उनकी उनकी जो स्टाइल है उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करके थोड़ा उसमें अलग करने की कोशिश की। परफॉर्मेंसेस का सिलसिला कब शुरू होता है? 97-98 में मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी। कहाँ पर? बॉम्बे में, तो अच्छा। वो हुआ यूँ कि अनूप जलोटा जी का परफॉर्मेंस था और उसके पहले उन्होंने मेरा क्लासिकल रख दिया, अच्छा तो वो अनूप जी के कारण पूरा हॉल भर गया और उन लोगों को भी एक नई चीज सुनने मिली कि ये क्या है भाई, तो तब मेरा फर्स्ट क्लासिकल कॉन्सर्ट हुआ और क्लासिकल का मतलब है तबला पखावज ये सब साजों को लेके इस पे राग बजाना, क्या बात है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है प्योर वैसे। पिताजी के साथ संगत करने का तो मौका आपको बहुतों बार मिला, जी जी, तो कितनी बार फ्रीडम मिला कुछ करने का? देखिए फ्रीडम तो कभी होता ही नहीं है, इनफैक्ट हमारे झगड़े इतने होते हैं कि पूरे इंडस्ट्री को मालूम है कि ये दोनों जब बैठते हैं तो ये पता नहीं, हमारे घर में तो मेरी वाइफ और मेरी मदर ये तो बोलते हैं कि आप जब भी प्रोग्राम होता है आप दोनों का तो हमारा सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि शुरुआत ही झगड़े से होती है। अच्छा हाँ, शुरुआत है, जैसे मैं बोलूँ कि बाबा देखिए आपका आवाज, आप जानती हैं कि अजय जी मेरे पिताजी जो है उनका आवाज बड़ा वर्सेटाइल है बहुत, तो वो गजल भी गा सकते हैं क्लासिकल होते हुए और ठुमरी तो है ही उनका, तो मैं कुछ कुछ सोचते रहता हूँ हमेशा उनके साथ कि बाबा ये आप जरा ये देखिए लता जी का गाना है, ये रफी साहब का गाना आप जरा, तो बोलते हैं कि यार मैं क्लासिकल गवैया हूँ कहाँ तुम ये फिल्म के गाने मुझसे, तो शुरुआत ही देखिए थोड़े नेगेटिव इससे हो गए कि, तो मैं लेकिन उनको कन्विंस कर ही देता हूँ आखिर में, और जब वो आइटम पेश होता है कॉन्सर्ट में तो बिल्कुल 100% हो जाता है, हिट होता ही है, तो मैं पिताजी को तब स्टेज पे बोलता हूँ माइक पे कि देखा मैंने कहा था तो मेरा आप जरा सुना कीजिए, तो झगड़े बड़े होते हैं लेकिन म्यूजिकली हमारे दोनों के दिल मिले हुए हैं बहुत। वन ऑफ द मैजिक वॉज एज यू नो पिया बावरी, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट, मैं उसी पर आ रही थी, जी जी, पिया बावरी जो कॉन्सेप्ट रहा आपका, जी जी, और जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड धूम मच गई, जी जी, और यूट्यूब पे इसका अपना एक बिल्कुल अलग ही चार, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे उसका आप सोच पाए उस चीज को? ये बात है 2000-2001 की, मैं देख रहा था कि क्लासिकल म्यूजिक तब यूट्यूब था नहीं और ना तो इंटरनेट इतना पॉपुलर था, तो तब जो होता था वो सीडीज कैसेट्स में के द्वारा म्यूजिक आता था सामने, क्योंकि मेरा क्लासिकल बेस था कम्प्लीट, मैंने वो कंपोजिशन सब रागदारी के ही लिए और उसमें टोटली नया साउंड एक दिया और कंपोज किया उसको, और जो कुछ ट्रेडिशनल भी लिए जैसे कि दरबारी में किन बैरन कान भरे मोरा पिया मोसे बोलत नहीं, जो उस्ताद आमिर खान साहब गाते, बिल्कुल बिल्कुल, वो बंदिश ले ली और उसमें मैंने पहले ऑर्केस्ट्रेट किया, तो जैसे ही पिताजी को सुनाया तो पिताजी बोले ये तुम क्या कर रहे हो पुरानी चीज़ों को ये सब, तो मैंने कहा अब तब मैं था छोटा, मतलब आज भी छोटा ही हूँ लेकिन तब मेरी उम्र थी 22-23-24 साल हो गई, अच्छा, मैक्सिमम, तो मुझे कुछ अच्छे बुरे की खबर ही नहीं थी, जो मैं चाहता वो अच्छा ये थी, तो उस इग्नोरेंस में एक अच्छी चीज निकल गई ऐसे मुझे लगता है, आज अगर मैं वो होता तो मैं वो जुर्रत ही नहीं कर पाता क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि ट्रेडिशनल चीजें हैं भाई हम कैसे उसका हाथ लगाएं, लेकिन तब मैंने अरे इनसे सुनिए उनसे सुनिए बस मैं कीबोर्ड लेके बैठ गया और मैंने शुरू कर दी और वो एल्बम निकली और वो इतनी सुपर हिट हो गई कि बड़े बुजुर्ग भी जो थे हमारे क्लासिकल के दुनिया के उन्होंने तो रिलीज किए वो कई दफा,
पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, मेरे गुरु जी ने, वो पुणे में रिलीज की एल्बम। पंडित जसराज जी ने यहाँ बॉम्बे में उसके बारे में बड़ा अच्छा, वो हमेशा ही मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं। तो ये तो बुजुर्ग है, क्लासिकल के लेजेंड्स हैं। इन्होंने कह दिया, उस्ताद अमजद अली खान साहब ने बहुत तारीफ की कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है। कुछ प्ले करेंगे थोड़ा सा उसका? जी, तो अब जैसे इसमें जब पिताजी की वॉइस आ जाती है तो वो गजब हो जाता, अद्भुत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ, तो इससे इसकी वजह से पॉपुलैरिटी क्लासिकल म्यूजिक की अलग सेक्शन तक पहुंच गई, ऐसा मुझे लगता है। आपके कुछ अपने हैं अभिजीत जी, जिन्होंने आपके जिंदगी के सफर को देखा, आपकी मुश्किलों को देखा, आपके प्रयासों को देखा, हमने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। जी, आइए। मुझे याद है कि बचपन में तुमने यार मेरे 12 बजवाए थे। एक बार ऐसा था कि मेरे पास एक शागिर्द आते थे और तुम बहुत छोटे थे, शुरू से तुम नौटी तो थे ही, तो तुमने उनसे, जैसा मैं थोड़ा नहाने गया, तुमने उनसे बोला आप प्लीज़ मत गाइए। बोले क्यों? बोले बहुत बेसुरे गाते और मेरा पेट दुखता है। तो मुझसे शिकायत करने लगे, भाई आपका बेटा तो ऐसा बोलता है, तो तुम्हें संभालना भी पड़ा। शुरू से तुम जिद्दी अच्छे अर्थों में ऐसे थे और तुम्हारे मन में एक लगन थी कुछ बन के दिखाने की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे भी तुमने कीबोर्ड के साथ जो म्यूज़िकल जो बात की है, क्लासिकल जाने वाले अकेले हो तुम और एक अपना मकाम पे जा रहे हो, तो ये इस बात का मुझे बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी है मुझे। क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ऐसे लोग हैं सब मेरे ज़िंदगी में, इम्पॉर्टेंट लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, तो हमेशा इनको सब मैं चाहूँगा ऐसे ही लोग आशीर्वाद आस पास रहे। मुझे ये बताइए कि आपने जब परफॉर्मेंसेस दिए और बहुत बड़े बड़े आपको बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी मिला, जी जी, कुछ ऐसे वाक़े जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं इन बुज़ुर्गों के साथ, कुछ याद आते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट में पहले बजाता था, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा। लेकिन वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट था इंडियन म्यूजिक का ही। हाँ। तो मैं पंडित भीमसेन जोशी जी के घर गया पूना। अच्छा। हाँ हाँ। जब मैं स्कूल में था। हाँ। एकदम बचपन की बात, उन्होंने वो सुना और उन्होंने कहा बेटा ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा काम करो जिसमें तुम स्टेज के बीच बैठ के, तुम्हें बीच में बैठने का मौका मिलेगा। वाह। उनके बाद में बड़ी गहराई थी, तब तो समझ में नहीं आया। तो मैंने जब ये वाद्य लिया तो इसको तो बीच में कोई बिठाएगा ही नहीं। बिल्कुल। इंडिया में तो खासकर बाहर की बात अलग है कि पियानिस्ट जो है उसको बड़ी इज्जत होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कीबोर्ड जो है इज्जत तो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो साइड में रहता है। मैंने इस पे ऐसा इंस्ट्रूमेंटल, मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक बजाया, उसकी वजह से आज तबले के साथ मेरा सोलो कॉन्सर्ट हो रहा है। मतलब पंडित भीमसेन जोशी जी की एक बात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब आपने ये प्रयोग शुरू किया इसको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के साथ, जी, बिल्कुल कदम दर कदम जिसे हम कहते हैं ना, हम एक हम कदम करने की कोशिश की, तो क्या क्रिटिक्स ने इसे किस तरह से देखा? उनको लगता है कि यार इस पे वो काम नहीं होता है जो तार सरोद पे होता है। कई लोग हैं जो इसको पसंद भी करने लगे। ऑडियंसेस तो 100% होती है, कलाकार 50% होते हैं। मेरी जो अंदर से भावना है, मेरा जो एक निश्चय है
कि इस वाद्य को तो मैं क्लासिकल म्यूजिक में उस मकाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए, स्पेस विंड एंड फायर और अर्बन सूफीज बहुत गजब के आपके एल्बम्स रहे हैं जी जी, और प्रस्तुतियाँ मतलब आपने पूरे विश्व भर में दी हैं जी। कॉन्सेप्ट के बारे में मेरी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। अब फिर वही है कि स्पेस विंड एंड फायर फ्यूजन म्यूजिक, जिसको ब्रॉड टर्म दिया जाता है फ्यूजन म्यूजिक, अब वो जाके कन्फ्यूजन म्यूजिक कहते हैं लोग। स्पेस विंड एंड फायर ये क्लासिकल पे ही आधारित है। अच्छा। जो हमारी एलिमेंट्स हैं, फाइव एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, अर्थ स्पेस, उसमें से तीन एलिमेंट्स मैंने लिए, स्पेस विंड एंड फायर, और उसको तीन इंस्ट्रूमेंट से मैंने रिप्रेजेंट किया। स्पेस मैंने अपने कीबोर्ड से, क्योंकि इसमें कई सारे साउंड भी होते हैं, फिर विंड एक फ्लूट से मैं पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हूँ। अच्छा। तो वो विंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लूट और फायर बाय तबला, बिकॉज तबला में एक फायर है, एक परकशन एलिमेंट है, वो है। स्पेस विंड एंड फायर, जैसे मैंने कहा कि सब रागदारी के पीसे से, पूरिया धनश्री से स्टार्ट होता है और जाके वो भैरवी में ख़त्म होता है। तो मैंने कभी अपने रागों से कभी दूर काम नहीं किया, क्योंकि मैं दूसरा काम जानता नहीं ज्यादा। फ्यूजन भी हो तो भी बेस्ड कम्प्लीटली ऑन क्लासिकल। आपके कुछ और अपने हैं अभिजीत जी, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूंगी आप उन्हें भी देखें जी। आइए देखते। नमस्कार, आदाब अभिजीत भाई, शमीना जी। अभिजीत भाई इज अ ग्रेट कंपोजर, यू नो एवरीबडी, सबको मालूम है इस बात का, बट इतना एक सिंथेसाइजर जैसे इंस्ट्रूमेंट पे क्लासिकल म्यूज़िक बजाना, और इतना अच्छा लयकारी और इतनी अच्छी सोच म्यूज़िक की, अप्रोच उनका, और इतने बड़े पिताजी के वो बेटे हैं, डिसाइपल हैं, और उनका एक आज अपना एक नाम है, अपना एक मार्केट है, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो दे लव हिज़ म्यूज़िक, आई लव हिज़ म्यूज़िक। एंड अभिजीत भाई, ऑल द बेस्ट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ़ यू। हाय अभिजीत, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। आपने कोलैबोरेशन और न्यू एज म्यूज़िक को लेके जो आपने काम किया है, वो आज उसकी सब जगह उसकी चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक याद है विद्युत वीणा और मेरी मनाई हुई सात्विक वीणा, हम दोनों की जुगलबंदी भी हुई थी बहुत सारे कार्यक्रमों में हिंदुस्तान में। और एज अ पर्सन, एक इतना फन लविंग आर्टिस्ट मैंने बहुत कम देखे हैं जैसे अभिजीत आप हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप इतने ही खुशनुमा और इतने ही प्यारे इंसान आप रहें हमेशा, जैसे आप रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस यही, फिर से वही कहूँगा कि ऐसे लोग मेरे ज़िंदगी में और आएँ इनके जैसे, और मेरा जो सफ़र है वो अच्छा होते जाए, और आशीर्वाद मिले सबसे। हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़े ज़रूर होते हैं जो यादगार रह जाते हैं। कॉन्सर्ट्स के दौरान आपके साथ यकीनन बहुत से वाक़े गुजरे होंगे जी, कुछ सुनाना चाहें तो? एक बार कॉन्सर्ट था हम लोगों का अफ्रीका में, इथियोपिया जो देश है। खैर, हम लोग होटल वगैरह में सब चेक इन हुए, और साउंड चेक के दौरान हम लोग जब साउंड चेक पे पहुँचे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्टेज बना हुआ है रास्ते पे, एकदम खुले रास्ते पे। मेरी जैसे गाड़ी आई तो कुछ 150-200 अफ्रीकन लोग दौड़ने लगे। तो मैंने मेरे तबला प्लेयर को कहा, यार मुझे पता नहीं था मैं इतना पॉपुलर हूँ यहाँ पे, कि इतने 200 लोग मेरे पीछे, गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं अभिजीत भाई, एक गलती हो गई मेरे से। मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोले, वो जब मैं साउंड चेक कर रहा था तो उन्होंने आके पूछा कौन आया, तो मैंने कहा कि शाहरुख खान आए। तो मैंने कहा, अब जो होगा, मैं जब उतरूंगा और उनको पता चलेगा कि यहाँ कोई शाहरुख खान आए नहीं है, तो इनको कौन संभालेगा। और हम लोगों का कॉन्सर्ट शुरू हो गया। तो मैंने जैसे पीछे देखा तो 2-3 लोग बंदूक लेके अफ्रीकन लोग खड़े हुए थे मेरी तरफ देखते। तो मैंने मेरा कीबोर्ड पे से हाथ जो है वो गलत बजने लगा, तो मैंने मेरा पीछे असिस्टेंट था दूसरे कीबोर्ड पे, मैंने उसको बोला क्या हो रहा है ये, ज़रा पूछो। तो उसने पूछा, तो वो बोलते हैं कि टेल हिम टू सिंग शाहरुख खान सॉन्ग। तो उसने बोला, सर वो शाहरुख खान का गाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने एक कीबोर्ड, वो पुरिया धनश्री वगैरह सब छोड़ दिया, और सीधा मैंने तुम पास आए क्यों मुस्कुराए वो शुरू कर दिया। जैसे ही शुरू किया, तालियां, वो शाहरुख खान का गाना, फिर अमिताभ बच्चन का गाना, और वो गाने का प्रोग्राम हो गया, और मतलब हमारा क्लासिकल फ्यूजन रह गया, दूर दूर तक कोई वो नहीं, और फिर एंड में जाके सब ने तालियां बजाई कि वाह मज़ा आ गया। तो चलते चलते अभिजीत जी, आपकी पसंद का एक गीत जो आपको बेहद पसंद हो,
सुनाना चाहेंगे? वैसे तो मुझे लता जी के पुराने सभी गाने पसंद है और रफी साहब के, लेकिन वो कौन थी फिल्म का एक गाना है, अच्छा, तो सब जानते हैं, लग जा गले, बिल्कुल तो वो। लग जा गले के फिर हसीरा हो के शायद फिर से जन्म मुलाकात हो तो शख्सियत में आज आप तशरीफ लाए अभिजीत जी, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही सितारों की महफिल रवा दवा रहेगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।